किसी ने मेरे राजा की तरह वहां उठा के देखा, सबसे पहले मैं ही दो थप्पड़ मारूंगा साले को। जब तेरे को पता था सारी सेना मर चुकी है तो मेरे को क्यों बुलाया मरने के लिए इधर? सफेद कपड़े पहन के उनकी सेना में नहीं घुस सकता था? अब मेरे को मरवाएगा, मैं मर गया तो कौन बोलेगा तेरे को राजा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिटिल बिट, आर यू हिमेश? ए पूर्वी तेरा मालिक आ रे भाग क्या अबे पूर्वी। I just remember a whole thing. आपने पूर्वी के साथ एक फिल्म करी थी? हाँ। या दमादम? Yeah. Oh God, that's so nice of you. Thank you so much. और उसके बाद आप लोग की खिलाड़ी 786 आ गई और पूर्वी कॉमेडी सर्कस में आ गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप ज्यादा आगे निकल गए कि वो पीछे रह गई क्या? Anyways, मेरे को क्या, मैं आपकी बात पूछना चाहता हूँ। आपको पता खिलाड़ी 786 हिट होने का एक ही कारण है, पूर्वी जोशी। नहीं थी फिल्म में, हुई कि नहीं सुपर हिट? एंड वेरी अक्षय नहीं आए साथ में? जी नहीं। What is this rubbish? पिछली बार oh my god आने वाले थे, दोनों आए थे, परेश रावल और अक्षय कुमार, प्रमोशन करके चले गए। फिल्म हिट हो गई, बंदा ने मूवी नहीं दिखाई, ये क्या बात हुई? एक्टर के एमएलए, आई डोंट लाइक दिस। बट बंदा होता हिमेश भाई जैसा, जोरदार ताली इनके लिए। क्या बात है, आपने खिलाड़ी 786 में पूरी फिल्म में आपने प्रोड्यूस भी किया, आपने गाने भी कंपोज किए, गाए भी, खुद भी एक्टिंग की, तो अक्षय को काहे तकलीफ थी? खुद अक्षय भी बन जाते आप, कहा जाती है हर चीज की। बट मैंने आपकी फिल्म के काफी सीन देखे, एक में जिसमें अक्षय कुमार औलाद मार के जीप नहीं उड़ाता, सेम मेरे पापा ने स्टंट किया वो वाला। अभी डॉक्टर बोल रहा है या तो घुटना बदलना पड़ेगा या एक ही टांग वाले बाप के साथ काम चलाओ। ये क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको देखा आप गाना गाते ना, इतना मजा आता है जब आप यूं करके गाते ना। लेकिन एक सजेशन है, कभी ट्रेवलिंग करते वक्त मत गाना आप। आप यूं करके गाएंगे नीचे से कोई सूटकेस लेके भाग जाएगा आपका। होता है ऐसा, एक्चुअली होता है। बट खैर एनीवेज में किन बातों में पड़ गया, मैं आपको बताता हूँ। मेरा राजा फंसा हुआ है चेस का, तो आपको सबको समझ है। सहेल भाई पता है आपको चेस का? पता है ऊंट कैसे चलता है? नहीं पता? अर्चू चल के दिखा थोड़ा सा। अच्छा जो भी है मेरी बात सुनो, मैं भगवान का शुक्र करता हूँ। जैकेट उतार दूं जरा, मैं ये समझना साथ में ही हूं मैं। मैं भगवान का एक बात का शुक्र करता हूँ कि चेस में हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है। शुक्र है शेर नहीं है, नहीं तो मेरे कभी हाथ ही नहीं आता। हर लाइन में पंच नहीं होता। मैंने अगर शेर वाली बात कही, कुछ दिल के गुबार भी होते हैं जो आंसुओं के रास्ते बाहर निकल आते हैं। जब घोड़ा चल के आ रहा, दौड़ा क्यों रहा उसको? रोकना इसको तुमने। काली सेना के वजीर, मैं आज तुम्हें हरा कर दम लूंगा। दम लूंगा? अच्छा चर्सी हो। तुम्हारी जबान बहुत चलती है, ये बताओ तुम्हारा राजा कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जिस देश का राजा कुछ नहीं बोलता तो मेरा राजा क्यों बोलेगा? करेक्ट। ये जस्ट एक स्टायर था, इसका हमारे एक्ट से कोई संबंध नहीं है। हम लोग 500,000 रुपए के भूखे नहीं रखो अपने पास। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चेस दिमाग वाला खेल है, समझ में नहीं आया तो बता देना, हमने लूडो का बोर्ड भी बना के रखा हुआ है। आ जाते सरकारी स्कूल से पढ़ के जज बनने बढ़िया। ए चलना तू अपनी चाल चल के आए, तू चल ले फिर आ जा। महारानी की जय हो। महारानी की जय, कभी महाराज की जय। कोई ऐसा काम कर कोई तेरी भी जय करे साले, सबकी जय करता रहता है। और क्या है, रानी का भेज दिया राजा की तरह तुम्हारा, ये मत सोचना औरत है तो हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे, औरत को मैं ज्यादा मुक्के मारूंगा तुम्हें तो समझ। ए, राजा की तबीयत खराब है, बकवास मत करो ठीक है। वजीर शतरंज का युद्ध शुरू किया जाए। ओके महारानी। काली सेना के वजीर, तुम्हें आज मेरा प्यादा मारेगा। प्यादा मारेगा मुझे? कहाँ है तेरा प्यादा, निकाल तेरे प्यादे को बाहर। अरे हटो हटो जल्दी हटो, अरे काट डालूंगा पीट डालूंगा। कहाँ है साले, बाहर निकल। कहाँ है मेरी तलवार? कौन सी तलवार, उससे पूछ, कल दांत में से मटन निकाल रही थी तेरी तलवार से। बकवास बंद करो और आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। वाह आखिरी ख्वाहिश, खुद दुश्मन के सामने घुटने टेक रहा है, मेरे से आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। ये लाइन भी जस्ट नॉर्मल थी, इसका हमारे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरी हाइट पे मत जाना, मैंने आज राजा के सामने कसम खाई है कि तेरी गर्दन उनके कदमों पे रख दूंगा। ए तेरे बात रहा हूँ, ये कसम वसम कम खा, थोड़ा कॉम्प्लान खाया कर, तेरी हाइट बढ़े। आज तेरी हाइट होती ना तो तू राजपाल यादव की आवाज नहीं निकालता, बच्चन साहब की आवाज निकालता तू। ये कैसा पंच मार रहे हो? ये कल मेरा प्रोड्यूसर भी यही बोल रहा था, कहता तेरे दो तीन एक्ट में ज्यादा हंसी नहीं आ रही। मैंने कहा सर जी मेरी बात सुनो, हंसी भले ही हमारे एक्ट में कम हो लेकिन हमने आज तक किसी का एक रुपया नहीं मारा, मैं बता रहा हूँ। दिल से काम करते हैं। बकवास बनकर मनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जा। चलते मेरी माँ से कहना कि उनका बेटा बहुत बहादुर था। मर गया तेरा प्यादा। ए ऐसे कैसे मर सकता है, उठ तू, मेरा लड़ाई का मूड बना के खुद मर गया। ये तो वही बात हुई सुहागरात वाले दिन, दूल्हे को दूध पिला के दुल्हन सो गई, ये क्या बात हुई? ये मर गया प्यादा तेरा, मर गया प्यादा। अब किसको निकालेगी रानी बाहर तू, अब बता। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मेरा ऊंट तुझसे लड़ेगा। क्या लड़ेगा? मेरे ऊंट, यस, यस। ये ऊंट की खुशी नहीं, शूट की खुशी। महीने में दूसरा शूट हो रहा है,
पैसे बन रहे हैं, इसी तरीके काम करती रही, 6 महीने में स्कूटर ले लेगी तो अपना। तेरा ऊंट बाहर निकाल, तेरे ऊंट को। अपनी बकवास बंद करो। ऊंट बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मेरा मतलब झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ए किससे बात कर रहे हैं, फोन लगाया क्या कंधे पे? मैं फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बकवास बंद कर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे जिंदा, क्योंकि ये चेस बोर्ड मेरा है और मैं यहाँ पर बाजी चलने वाला बाजीराव सिंघम। और मेरे जीते जी तू मेरे राजा तक नहीं पहुँच सकता। तो मेरे को जाना भी नहीं तेरे राजा तक, वो आए साला जब तक पकड़ूंगा, पहले तेरे को तो पकड़ू मैं। अरे एक निहत्ते ऊंट पर वार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे को पता नहीं था जंग में जा रहा हूँ, हथियार लेके आता, साले घर से दही लेने आया, तो मारूंगा तेरे को। अरे मुझे क्या पता था, मैंने सोचा जंग चल रही है, वहाँ कोई लड़ मड़के पड़ा होगा, उसकी तलवार ले लूंगा। ओवर पॉजिटिव बंदे ये होते, ओवर पॉजिटिव बंदे घर से बाहर हल्के होने के लिए जाते, पानी नहीं लेके जाते, सोचते क्या पता बारिश ही हो जाए। अबे बारिश में उल्टा तुमको होना ही पड़ेगा कि नहीं? और मान लो अगर बारिश की जगह बर्फ पड़ गई तो हो गए कि नहीं सारे रास्ते बंद? ए इसको तो मैं अभी मार देता हूँ, टिच चल भाई, ये मर गया तेरा। माँ की यहाँ क्रिएटिविटी की है, देख करके बांध के रखा कला। ए क्या तेरा ऊंट, अब क्या करेगी तू? अब मेरा घोड़ा आएगा। अबे कौन सा घोड़ा? बुला अपने घोड़े को बाहर, चल जा इनके राजे को मार। क्या माफ करना महारानी, पहले इनके राजा को कहो कि हमारे पास आए, मार तो हम ऐसे ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम राजकुमार हैं, हम बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाते। वैसे काम करो, अपने राजा से कहो कि हम आए हैं। कितने आदमी आए हैं? हम क्या मतलब, मैं क्यों नहीं बोलते बे? वो क्या है कि मैं का हमें बचपन से फोबिया है। एक बार बचपन में हमने मैं कहा था, एक कसाई हमारे गले में रस्सी बांधकर हमें ले गया। तो तभी यूं करते रहते हो। हम इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि जिस दिन हम मैं बोल देंगे उस दिन हम मर जाएंगे। आल पूछो। पूछो। अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद आता है मैं। मर गया तेरा घोड़ा मर गया। अब तू और सिर्फ तेरा वजीर बचे हैं, अब तू बच नहीं सकती। ये ले चेक। महारानी थोड़ा सा इधर, पीछे इधर, अरे इधर नहीं। अच्छा ये ले चेक। ले फिर बच गई। ये ले चेक, 3 महीने से बिना काम के चेक मिलते जा रहे। चेक चेक चेक, ये ले चेक। ले फिर बच गई। अच्छा आई एम सॉरी महारानी, चेक एंड मेट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नहीं बच सकते, ये ले चेक। अरे ये गलत चाल है। एक गलत चाल क्या, मैं शो का प्रोड्यूसर नहीं जो चाले चलूं, कलाकार आदमी हूं, सीधी बात मुंह पे करता हूं। तुम लोगों को हमारा पसंद आया चेक तो बोलो, नहीं तो हम लोग समझेंगे चेस की समझ नहीं, तुम लोग लूडो वाले बंदे हो।